हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस इज योर ब्रदर कुणाल। और आज की इस वीडियो में बैंगलोर की तरफ से हमको एक प्रोडक्ट मिला है, मल्टीफंक्शनल एयर कंप्रेसर, जिसको आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करना। काफी छोटा सा प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल में अभी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसको परचेस करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं काफी सही प्राइस में। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके साथ में हमको क्या क्या मिलता है। मल्टीफंक्शनल एयर कंप्रेसर अभी आप बॉक्स पे देख सकते हैं, और 5-in-1 है, इन्फ्लेशन है, टायर प्रेशर मेजरमेंट है, लाइट है, SOS डिस्ट्रेस सिग्नल लैंप और सेफ्टी हैमर। और ये जो प्रोडक्ट है यूजफुल है काफ़ी कार्स के टायर में हवा फिल करने में, बाइक या स्कूटर के टायर में हवा फिल करने में, एयर मैट्रेस में, और बॉल या फुटबॉल जो हो उसमें भी आप इससे जो है हवा भर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट इस तरह का मिलता है, काफ़ी छोटा है साइज़ में, और इसमें यहाँ पर पाइप दी हुई है जिससे कि हम अपने टायर्स में इसको कनेक्ट करके हवा फिल कर सकते हैं। और जो प्रेशर गेज है यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हम देख सकते हैं कितना प्रेशर है हमारे बाइक या कार के टायर में। यहाँ पर प्रेशर हैमर दिया हुआ है जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार में कहीं फंस जाते हैं तो आप इसको लगा करके जो विंडशील्ड है या साइड ग्लास है उसको तोड़ सकते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा। और यहाँ पर लाइट दी हुई है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, और ये लाइट बटन है जो कि ये लाइट यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि अगर आप इमरजेंसी में रात के टाइम पर जो भी इसको लाइट ग्लो करके कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पावर कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, और ये जो है पावर केबल कोड जो कि व्हीकल में लगती है, अपने कार चार्जिंग स्लॉट वगैरह जहाँ पर आता है वहाँ पर आप इसको कनेक्ट करके डायरेक्टली इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट करके जनरली यूज़ करना तो सिंपल है, काफ़ी प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है। यूज़र मैनुअल मिलती है, वारंटी कार्ड इसमें मिलता है, आप इसको एक बार यूज़ करने के पहले इसको पूरा रीड कर लें तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या इसकी डिटेल्स है पूरी। इसके साथ में हमको जो मिलता है ये इनक्लोज़र मिलता है, कनेक्टर मिलते हैं अपने, तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इनको लगा लें, सिर्फ जनरली इसमें लगाने होते हैं। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं फिर कार में हवा फिल करके कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है और कितना यूज़फुल है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ऐसी कंडीशन में, लाइक अज्यूम करिए आप अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव के लिए गए, अनफॉर्चुनेटली टायर में कील लग जाती है, पंचर हो जाता है। ट्यूबलेस टायर में हमको एक बेनिफिट मिलता है कि हम उसमें हवा भर के थोड़े किलोमीटर्स तक और चला सकते हैं, जब तक हम जो है सर्विस स्टेशन या फिर ऐसे मतलब पंचर वाली शॉप तक नहीं पहुंच जाते। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, आप इजीली जो है नॉर्मल टायर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं 5 से 7 मिनट में, ऐसा इसका कंपनी बोलती है, और फिर आप जाकर के अपना टायर का पंचर बनवा सकते हैं। और देख सकते हैं आप काफ़ी छोटा है साइज़ में, इजीली आप इसको बाइक के बैकपैक्स में भी कैरी कर सकते हैं, उसके अलावा कार में भी इतनी स्पेस तो हमको मिल जाती है कि हम इजीली इसको रख लें। तो चलते हैं अभी देखते हैं कार में कितना टाइम लेता है ये हवा भरने के लिए। तो अभी इस एयर पंप को अपनी कार के अंदर यूज़ करके देखते हैं। अभी तो इसका जो प्रेशर है टायर्स का वो बिल्कुल सफिशिएंट है, यहाँ पे कोई वार्निंग शो नहीं कर रहा है, तो हमको थोड़ी सी हवा निकालनी होगी उसके लिए। और इसकी जो पावर केबल थी वो मैंने इसको यहाँ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट दिया था इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दें। अभी रेड लाइट जो है ग्लो होना स्टार्ट हो गई है, तो इसमें अभी पावर आ गया। इसकी जो केबल है सफिशेंट है, चारों टायर तक पहुँच जाएगी। तो फ्रंट टायर जो है लेफ़्ट साइड का, उसकी हम थोड़ी सी हवा कम करेंगे, पहले चेक करेंगे प्रेशर गेज से कितनी हवा है, उसके बाद उसमें हवा फिल करेंगे, देखते हैं कितना टाइम ये लेता है। टायर प्रेशर चेक करते हैं कितना टायर प्रेशर है इसका, इसमें आइडल प्रेशर 35 रहता है, तो इसमें अभी अराउंड 35 ही है। तो अभी फिल करने के लिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको अप्रॉक्स 30 तक कर देते हैं, फिर उसके बाद फिल करेंगे। तो अभी मैं इसको 30 PSI कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसका टायर प्रेशर जो है 30 कर दिया है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं हवा फिल करना, और जो स्टॉपवॉच में जो है वो मैं टाइम सेट कर दूंगा, इसका समय एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम ये लगा रहा है। इसको ऑन करने के लिए पहले कार का इंजन जो है स्टार्ट कर लें, जिससे कि कार की बैटरी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी कार का इंजन जो है स्टार्ट कर लिया हमने, और अभी हम स्टार्ट करते हैं फिल करना इसमें एयर।
और इसको टाइट कर देते हैं। साथ में स्टॉपवॉच का टाइम भी हम स्टार्ट कर देंगे इसके साथ में। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं इसमें अभी 4 मिनट भी होना बाकी है और 4 मिनट के पहले अराउंड 3:56 में इसने जो है 10 PSI कंप्लीट कर दिए। अभी ये कार का टायर है और कार का टायर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, इसमें ऑलरेडी प्रेशर था, उसके बावजूद भी इसने जो है इसमें हवा फिल की। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने हवा फिल करी, 30 पे मैं इसको लेकर आया था, 40 अभी इसमें हवा भर चुकी है और अराउंड 3 से 4 मिनट लगे इसमें हवा भरने में। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पर हमको कोई भी आसपास हवा भरने के लिए कोई शॉप वगैरह नहीं मिलती, तो ऐसे टाइम में ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, कार हो या बाइक हो, साइज़ में काफ़ी छोटा है, तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आपको उसको परचेस करना है तो परचेस करने के लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है।
सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।